السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله today we will be start computer online lecture number 2 chapter number 1 the nature of technology computers around us. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmed Khan. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम है सच को लाजिम पकड़ो इसलिए कि वो नेकी है और ये दोनों सच और नेकी जन्नत में ले जाने वाली हैं और झूठ से बचो इसलिए कि ये बुराई है और ये दोनों झूठ और बुराई जहन्नुम में ले जाने वाली है। अल्लाह ताला हमें भी सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे नमाजों का एहतमाम कर रहे होंगे और रोज़ाना अपने कुरान पाक का सबक भी पढ़ते होंगे। ऑनलाइन क्लास रूल्स मस्ट बी फॉलोड। Be punctual. Be ready to learn. Don't eat or drink near your computer. Create a quiet workspace. Listen to teacher. Before asking any question, raise your hand. Wait your turn. Check in daily and in assignment on time. You cooperate with your teacher and parents. Your books, notebooks, and stationery must be with you. Question number 1. Choose the best answer. Number 1. Dash or largest computer. Option A, super computer. Option B, mainframe computer. Option C, micro computer. तो प्यारे बच्चों लार्जेस्ट कंप्यूटर क्या है? कौन सा आंसर होगा इसमें से कौन बताएगा? सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर। तो हम ब्लैंक में क्या लिख देंगे? सुपर कंप्यूटर। दिस इज योर आंसर। Number 2, USB flash drive is used often for dash. Option A, storage. Option B, removed. Option C, none. USB flash drive अक्सर किस लिए इस्तेमाल की जाती है? क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों? तो बहुत आसान है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्टोरेज। तो हम ब्लैक में क्या लिख देंगे? स्टोरेज। नंबर 3, डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन ए लैपटॉप, ऑप्शन बी स्मार्टफोन, ऑप्शन सी टैबलेट। तो माइक्रो कंप्यूटर की क्या मिसाल है? ये तो बहुत आसान है प्यारे बच्चों, कौन इसका आंसर बताएगा? ऑप्शन ए लैपटॉप। दिस इज योर आंसर। नंबर 3, डैश आर यूज्ड इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी नन। लार्ज बिजनेस
ऑर्गेनाइजेशन में कौन से कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं? इसका क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो हम ब्लैंक में लिख देंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। नंबर फोर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इनसाइड अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द डैश। ऑप्शन ए जॉयस्टिक, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी नन। इसमें ये बात कही जा रही है इस फिलिंग द ब्लैंक्स में कि कंप्यूटर का अहम अंदरूनी हिस्सा क्या कहलाता है, तो इसका आंसर कौन बताएगा? है ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर, तो हम ब्लैंक में क्या लिख देंगे? माइक्रो प्रोसेसर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, ट्रू एंड फॉल्स। नंबर वन, टेक्नोलॉजी इज एनी मशीन वी कैन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी हमारी प्रॉब्लम्स मुश्किलात को हल कर सकती है, तो इसका क्या आंसर होगा? ट्रू। नंबर टू, रोबोट्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर। रोबोट कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल नहीं किया जाता, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। नंबर थ्री, अ मेमोरी कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज डिवाइस है, इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। नंबर फोर, स्मार्टफोन इज नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस। स्मार्टफोन एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, फॉल्स, इसका आंसर है फॉल्स। नंबर फाइव, माइक्रो कंप्यूटर इज यूज्ड इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रो कंप्यूटर जो है लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, जंबल्ड वर्ड्स। प्यारे बच्चों, जंबल्ड वर्ड्स मीनिंग विदाउट ऑर्डर वर्ड्स, यानी बेतरतीब अल्फाज। अब आप देख रहे हैं नंबर वन, यहाँ एक जुम्बल वर्ड लिखा हुआ है, एल ओ एन ओ टी ई सी एच एल वाई जी। अब ये हिंट एक नीचे दी है जिसके जरिए से हम इसको राइट या दुरुस्त वर्ड बनाएंगे, इसका लिखेंगे। हिंट, अ सेट ऑफ टूल्स दैट हेल्प मेक थिंग्स ईजी। यानी टूल का एक सेट जो चीजों को आसान बनाने में मदद देता है। क्या चीज है प्यारे बच्चों? टेक्नोलॉजी। तो इससे क्या लफ्ज बना इस जुम्बल वर्ड से? टेक्नोलॉजी। सेकेंड वर्ड है आई ई डी वी सी ई। अब इस जुम्बल वर्ड की हिंट क्या है? अ टूल और टेक्निक यूज टू डू टास्क। यानी एक टूल या आला, टेक्निक जो काम करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो क्या कहलाती है? क्या बनेगा इस लफ्ज से? डिवाइस। नंबर थ्री, ये एक जुम्बल वर्ड है, एस ओ आर एस एन ई एस। इसके हिंट है, अ डिवाइस डेट डिटेक्ट्स द चेंज इन द एनवायरनमेंट। यानी एक आला, टूल जो माहौल में जिससे तब्दीली का पता लगता है, तो वो
क्या है, इससे क्या वर्ड बनेगा? सेंसर्स। नंबर फोर जुम्बल वर्ड है बी ए एल टी ए टी। इसके हिंट दिए, इट स्क्रीन इज बिगर देन स्मार्टफोन। इसकी स्क्रीन जो है वो स्मार्टफोन से बड़ी है। तो क्या चीज होगी वो प्यारे बच्चों? टैबलेट। होम असाइनमेंट, यू हैव टू राइट ऑल दीज क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स एंड जुम्बल वर्ड्स इन योर कंप्यूटर नोटबुक एंड ऑल्सो मेमोराइज देम। जज़ाकल्लाहु खैर।